वेलकम टू आवर होम। और ये हमने झूमर लगाए सिर्फ डेकोरेट से, हम लोग वीडियो देखते हैं। वैसे पुलिस वाले सामने बैठते तो थोड़ी अंदर से घबराहट घबराहट से होने लगते। So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. इसका नाम है David. Live. आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। Yes. और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों दिल पे हाथ रखे जय श्री राम और जय श्री हनुमान। तो गाइस, आज हम करवाएंगे आप लोगों का आप लोगों का नहीं, आप लोग को मोमो के घर का होम टूर। Yes, यही कहने का मतलब था मेरा, बस थोड़ा बहक गया था मैं। बहक गया नहीं, तो शब्द बहक गए थे। तो आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को मोमो को होम टूर। तो आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट डाला था कि मैं मोमो को होम टूर देखना है, मोमो को होम टूर देखना है। तो आज देखो पूरा मोमो का घर और होम टूर, सब के सब चीज़ें देखो अंदर क्या क्या है। हाँ, और गाइस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले भी बता देती हूँ, घर अगर थोड़ा बिखरा हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ कर देना। सब लोग नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो सब इधर उधर सोए हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से दिखा सको और बर्तन भी पड़े हो, क्योंकि हमने जस्ट अभी खाना खाया 5 बजे वो भी इसलिए। तो स्टार्ट कर दे होम टूर। हाँ, अब घर के अंदर चलते हैं। और घर के अंदर जाने से पहले आप लोग को मेरे को एक बात बोलनी है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज़ हमारा नाम ले लिया करो व्लॉग में, मेरा नाम ये है। तो आप लोग के लिए एक चीज़ है, डेफिनेटली मैं और डेविड आप लोग का नाम लेंगे, बट आप लोग को 10 कमेंट्स करने पड़ेंगे हमारी एवरी वीडियो में जो भी डलेगी, और जिसका पहला 10 कमेंट आएगा उसका नाम सेकेंड व्लॉग कमिंग व्लॉग में आ जाएगा अपने आप। यस, आप लोगों का नाम लिया जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस फटाफट से 10 कमेंट डालो, जल्दी जाओ, जल्दी फटाफट कुछ भी डालो, 10 कमेंट डालो बस। अरे वेलकम टू आर होम। चलो भीतर को, वेलकम हो गया हमारा, गेट लगा दो। ओके, ठीक, सेफ्टी जरूरी है। यस, आओ आओ आओ, आ गए आ गए। ये मेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं आकाश, हाँ, ये आकाश यहाँ पे बैठा हुआ है और ये फोन चला रहा है। और ये हॉल है, छोटा सा हमारा घर का हॉल है, जो गेट से एंट्री करते हैं ना तभी आ जाता है, दिख ही रहा होगा। यस, यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने झूमर लगाया, सिर्फ डेकोरेटिव छोटू सा झूमर लगाया ताकि अच्छा लगे, और इसी से हम लोग वीडियो बनाते तो क्वालिटी अच्छी आती है घर में। और ये मम्मी के ही हैं, जो मम्मी डेकोरेट करती रहती है घर को, बस थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मम्मी आज हमारी है नहीं, वो नाराज़ होकर अपने फ्रेंड के यहाँ पर चली गई। अब हॉल के जस्ट बराबर में एक ये छोटा सा किचन है जो कि अभी बहुत बिखरा हुआ है। ये क्या ही बताऊँ, ये माइक्रोवेव है, ये गैस है, ये मैं हूँ, ये बर्तन है, ये चिमनी है। तो ये किचन है हमारा जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं सुबह और शाम। तो ये किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे मम्मी ने सोचा था ना कि इसको थोड़ा इतना लंबा कर देंगे, बट फिर अभी उन्होंने बोला कि अभी रहने देते हैं, ठीक है बाद में करेंगे, बट ये ठीक ही है, थोड़ा छोटा लगता है पर ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से निकलते हैं तो ये मेरी मम्मी का घर, मम्मी का घर कह रही, पूरा ही मम्मी का, ये मेरी मॉम का रूम है और उधर हमारा रूम है सामने। तो पहले हमारे वाले रूम में चलते हैं फिर मम्मी के रूम में। और हाँ, ये वाला जो है ना, ये रूम नहीं है, ये बाथरूम है, ये बाथरूम वॉशरूम है। हाँ, ये वॉशरूम है, दो वॉशरूम है। तो कैसे आपको दिखाता हूँ, ये ना अंदर, ये वाला इंडियन वॉशरूम है। A few moments later. अब चलते हैं हमारे रूम में। और यहाँ पे ये दोनों सिस्टम जो है ना, ये काजू के लिए लगे क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इसलिए। अब ये हमारा रूम है, ठीक है। फिलहाल अनु अभी सोई हुई है क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आई है। तो ये बेड है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमने विंडो ए सी लगाई है, बट अभी सर्विस नहीं हुआ है इस वजह से वो हमने अभी यूज नहीं कर रहे, पंखे से काम चल जाता है। और पूरे वो देखो भी, कौन कौन आर्मी फैन है जरूर कमेंट जरूर करना प्लीज़। अब जैसे हम लोग यहाँ से आते हैं तो ये गैलरी है हमारी, गैलरी थोड़ी बड़ी है, अच्छी लगती है बैठने में। टरा, सारे कपड़े वगैरह सूख रहे गाइस, सॉरी। तो यहाँ पे पेड़ पौधे, और आपने बाहर भी देखा होगा मम्मी पेड़ पौधे बहुत लगाते हैं यहाँ पे भी। ये जब हम लाए थे ना तभी इतना सा था, क्रिसमस के टाइम पे हम वहाँ लाए थे लोटस विला में, अब देखो ये कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ से ये वाला व्यू आता है। और ये एक वॉशरूम है बाहर, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं, ये हमारे पर्सनल रूम का वॉशरूम है। ये जो अंदर घर में है वो इंडियन वॉशरूम है, और ये चेयर वॉशरूम वाला है, चेयर टॉयलेट है ये, अंग्रेजी टॉयलेट है। हाँ, चेयर टॉयलेट है। अब अंदर चलते हैं, मेरी मॉम का रूम से
हम लोग आप लोग को दिखा देते हैं क्योंकि वही पार्टी है। तो हम चलते हैं मेरी मॉम के रूम में। ये मेरी मॉम का रूम है, लक्ष्मी जी एंड गणेश जी बुला सकते हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे सबसे पहले गॉड हमारे और द ऑनर ऑफ द हाउस माय मॉम। और ये मेरी मम्मी के, ये पापा हैं, ये मम्मी की मम्मी है यानी कि नाना, नानी और नाना जी। और ये रूम ऐसा है, ये मेरी बहन सो रही है यहाँ पे, सब नाइट शिफ्ट करके आए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और ये हमारे भगवान जी, सबके भगवान जी, हाँ मतलब सबके भगवान जी। ये हमारा मंदिर रूम पे बोलते हैं क्योंकि मम्मी का रूम है तो हम इसे मंदिर रूम बोलते हैं। और ये मम्मी की अलमारी है, टूटी फूटी अलमारी है ये मम्मी की जिसमें कपड़े भरे हुए हैं, मैं खोल दूंगी तो सब नीचे गिर जाएंगे। अब हम बाहर चलते हैं, चलो गाइस चलो। तो ये मेरा घर है जो ख़त्म हो गया। छोटा सा घर था, कैसा लगा बताना ज़रूर। और क्या क्या हो सकता है सफाई के लिए कमेंट मत करना दोस्तों, हमें पता है कि घर थोड़ा सा गंदा हो रखा है। अभी हम करने वाले हैं सफाई, 6 बजे गए तो झाड़ू वाड़ू और बर्तन वगैरह धुलेंगे ही। तो थैंक यू, तो थैंक यू सो मच गाइस जिसने अभी तक हमारा व्लॉग देखा है। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज है मेरा मोमो डोरी में, जाइए वहाँ फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमने बहुत फनी फनी कंटेंट बनाने स्टार्ट कर दिया है। एंड आई होप आप लोग 10 कमेंट्स ज़रूर करेंगे। बाय बाय। The next day. So guys, अभी मैं जा रहा हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 2 समथिंग कुछ, और अभी मैं जा रहा हूँ फिर से वेरिफिकेशन के लिए। एक्चुअली अभी जो मेरा पासपोर्ट था, मैंने बताया था आपको लास्ट ब्लॉग में कि मेरा पासपोर्ट किसी रिगार्डिंग फंस गया है, तो वही डॉक्यूमेंट वगैरह मैं चेक होंगे। अब देखते हैं क्या बोलते हैं पुलिस वाले, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है क्या बोलेंगे। बस मेरे अंदर से लुप हो रही है कि वो मना वना ना कर दे जिससे मेरी फिर बाहर जाने का सपना ख़राब हो जाए। लेट्स सी, देखते क्या डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं वो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अपनी इंक्वायरी करवा के, और भाई इतने सारे सवाल पूछे सिर में दर्द हो गया। एक तो यार वैसे फिर पुलिस वाले सामने बैठते तो थोड़े अंदर से घबराहट से होने लगते अपने आप ही, ऊपर से जब सवाल पूछे तो भाई दे दिया हमने डॉक्यूमेंट वगैरह। और मेरे को एक बार और बुलाया उन्होंने, सेक्टर 15 बुलाया है, मेरे को बोला है कि आज या कल परसों मैं तुम्हें एक बार कॉल करूँगा, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले आना ओरिजिनल वगैरह, बाकी जो रिपोर्ट होगी वो वहीं से भेजी जाएगी। तो लेट्स सी, प्रे करो भगवान मेरे एक काम तो हो जाए यार, मैं बहुत थक गया हूँ इस चीज़ को लेकर। अगर मेरी चीज़ क्लियर होता है तो मैं इन फ्यूचर आगे काम कर सकता हूँ बाहर जाके इंडिया से।